Hi everyone, this is Chandan and you are watching The Learning Field. I think many of you are waiting for this video. So after viewing the thumbnail and title, I think you are already know that today's topic of video. Okay, so today in this video, I will share my experience of CSR NET July 2024. Okay, so I think जो नया स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी एक वार्म वेलकम करता हूँ मैं, जो ओल्ड है मतलब मेरे को देखते हैं जानते हैं उनको तो वेलकम आ गई, ठीक है। सो जो एक्सपीरियंस है मेरा मतलब जुलाई 2024 का, जो 25 जुलाई को लेकर, ठीक है, अच्छा नहीं है मेरा, ठीक है। क्योंकि देखो कैसा है, फास्ट जो है तो वो है जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था, ठीक है, वो है कोलकाता में था एंड सेंटर का नाम था शायद ये टाइप का कोई, ठीक है, ऐसा कोई नाम था शायद एग्जाम टेक करके, वो तो था एक दूरी में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सेंटर के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, एक छोटा सा कमरा जहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर एंड एसी भी नहीं है, वो तो छोड़ो, एंड देन कुछ पंखे है बट इतने सारे, सपोज दो एक लैब में 50 मोर देन 50 स्टूडेंट्स है और 50 के नियर अबाउट स्टूडेंट्स है एक लैब में, तो इतने सारे मशीन चल रहा है उसका एक गर्मी है, देन इतने सारे लोग जो बैठे हैं एक घर में वो तो है ही, देखो एक साथ में एक घर में बहुत ज़्यादा लोग एक साथ बैठते हो तो मतलब हमारा जो ये होता है ना, इसका भी एक बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग एक साथ होता है तो गर्मी होता है। तो ये जो सेंटर है ना, यहाँ पे कोई ऐसा एसी तो नहीं, छोड़ ही दो एसी भी नहीं है, एंड देन जो पंखा है ना मतलब फैन वो भी मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। सोचो एक हॉल रूम में आई थिंक सीलिंग फैन था कुछ एंड जो वॉल में होता है ऐसा कुछ फैन था, बट वो सफिशेंट नहीं था, मतलब मैं जहाँ पर बैठा था ना उसके चार पास में कोई फैन नहीं था, ठीक है। तो सोचो आप कैसा होता है, एंड टेम्परेचर जो था मतलब उस दिन का 25 जुलाई का नियर अबाउट 35+40 के आसपास था, क्योंकि ये जो रेनी सीजन है थोड़ा बहुत बारिश भी हुआ था, ठीक है, जब एग्जाम सेंटर पहुंच रहा था तो भारी बारिश हो रहा था, बट उसके बाद में भी ना बहुत तेज़ी धूप आया था, तो देन एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचते पहुँचते मेरा तो हल्का मतलब हाल बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, क्योंकि जो बस में मैंने गया था, मैं और एक फ्रेंड था, तो लगभग सोचो आप 3 to 3.5 किलोमीटर दूरी से मतलब क्या बोला वो बस उतार दिया हम लोगों की, ये बस नहीं जाएगा, क्योंकि जो एडमिट में लिखा था ना एक बस स्टैंड का लिखा था वही बस पकड़ा था, ठीक है, एडमिट में लिखा था कि ऐसा कोई एक बस स्टैंड का नियर अबाउट होगा, तो उस रूट का जो बस था वही पकड़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली एक रूट में ही 2-3 बस होता है, तो वो जो है 2-3 बस मतलब जो बस में चला था हम लोग वो बस वहीं पे मतलब एग्जाम सेंटर के नियर अबाउट में नहीं गया था, तो 3 to 3.5 किलोमीटर आगे एग्जाम सेंटर के आगे बोला कि यहाँ से आप दूसरा बस पकड़ लो, कॉन्ट्रैक्टर बोला, देन हम लोग गूगल मैप में देखा कि एग्जाम सेंटर 1 to 1.5 किलोमीटर ऐसा कुछ दूरी में था, देन दोनों फ्रेंड डिसाइड किया तो हाथ में टाइम है तो चलो पैडल चले जाते, दोनों का ये डिसीजन फास्ट बहुत गलत था, क्योंकि आफ्टर वॉकिंग 1 to 1.5 किलोमीटर पैडल मैं देन वहाँ पर जान गया एंड पूछा कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा था, तो कुछ लोग बोला यहाँ से नहीं है, यहाँ से फिर 1.5 किलोमीटर आगे जाओ, मतलब दिमाग ख़राब, मतलब उतना गर्मी पूरा के पूरा मतलब गया, ये शर्ट फर्ट पूरा के पूरा भीग गया, ठीक है, उतना टाइम पैडल जाने के बाद बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत तेज़ धूप था, एंड देन जो रास्ता था ना वो भी मतलब पानी में भर गया था ऐसा, तो फास्ट बोला कि 1 to 1.5 किलोमीटर है मैप में देखा, तो देखा कि वहाँ पर नहीं है जाकर तो दोनों फंस गए, देन वहाँ से दोनों ऑटो पकड़ा, ऑटो के मतलब ऑटो पकड़ा एंड देन वहाँ से फिर गया एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, गया, देन वहाँ पर जाकर देखा एक छोटा सा बिल्डिंग है 2 or 3 फ्लोर से, बहुत ही ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड, ठीक है, उसके पीछे है क्या सोचोगे, सुनो आप,
उसके पीछे है बैम्बू का, मतलब जो होता है ना बैम्बू, ठीक है, बंगाल में जो बोलता है बांस, ठीक है, बांस बगान था वहाँ पर, बैम्बू का पेड़ होता है बहुत ज़्यादा। तो पीछे देखा कि पार रहा था, तो सोचा यार छोड़ो एसी नहीं है, देखा कि कोई एसी का तो मतलब जो है आउटसाइड में लगा होता है आउटर, वो नहीं था, तो सोच लिया कि भाई एसी तो छोड़ ही दो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि एसी नहीं चलेगा, पंखे में भी मैनेज करना होगा, ठीक है। देन एग्ज़ाम सेंटर में जब गया तो वहाँ पर बैग जो है, बैग रखने का भी कोई मतलब जगह था, बट उन लोग बोल रहा है कि ये बैग रखो अपना मतलब ये में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका बैग का कोई कुछ नहीं लेगा, मतलब जो है दायित्व, ठीक है, तो आपका दे बैग का उन लोगों का कोई ये नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ चोरी हो गया तो ऐसा कुछ कुछ उन लोग कोई नहीं लेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पास में एक दुकान था जहाँ पर एसी लगा हुआ था, ठीक है, पर बैग 20 रुपया चार्ज कर रहा था हम लोग, ठीक है। तो दोनों सोचा कि चलो मोबाइल पार्स तो रहेगा बैग में, इन लोग मतलब ऐसा कोई नहीं लोगे तो क्या कर सकते, बैग बाहर रखना पड़ेगा आपको, तो रख दिया पर बैग 20 रुपया करके। देन एग्ज़ाम सेंटर में गया तो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, रजिस्ट्रेशन में सुनो आप जो लोग बैठे थे मतलब हमारे एज से भी कम होगा, 2-3 लड़की था एंड कुछ लड़के भी थे जिनका मैं मतलब कुछ भी नहीं आता, मेरे को देख के सोच रहा, जस्ट स्टैम्प उठाकर चोबी ले रहा था एंड लिख रहे स्टैम्प मारकर दे दिया था, ठीक है, ऐसा कुछ था। वेरीफिकेशन तो वेरीफिकेशन हुआ थोड़ा बहुत, देन मैंने बोला कि मेरा जो है थंब एडमिट पर नहीं लगा हुआ है, मैंने बोला कि सर यहाँ पर स्टैम्प पैड मिलेगा ना, बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, चले जाओ अंदर, अभी चले जाओ बाद में देखा जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। एंड इनविजिलेटर का आई थिंक एक साइन भी करना पड़ता है वहाँ पर, एंड इनविजिलेटर के सामने आई थिंक एक साइन करना पड़ता है या कुछ भी होता है, ठीक है। देन सेंटर में बैठ गया, मेरा जहाँ पर सीट आया मतलब सिस्टम के थ्रू लोग सॉल्यूशंस देता है ना, तो देखा कि मेरे तो ऊपर कोई पंखा नहीं है एंड मेरा नियर आउट से जो कि 10 फुट बाई 10 फुट में मतलब मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ पर एक 10 या 15 फुट का कोई एक स्क्वायर बना लो, तो वही उस स्क्वायर में एक भी फैन नहीं। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, एक इतना गर्मी में चलते चलते इतना दूर गया बस देन पैडल देन ऑटो पकड़ कर, वहाँ पर देखा कि कोई फैन भी है ऐसा चल नहीं रहा है, मतलब सफिशियंट नहीं है, ठीक है, एक तो मशीन का गर्मी है देन इतना लोग बैठे एक रूम में उसका गर्मी है, तो हाल तो बहुत ख़राब हो गया। टॉयलेट आते एक था मतलब काम चाहते एक था मतलब काम चलने के लायक था, ठीक है। तो देन क्या हुआ सुन, देन उसका जो मेरा एग्ज़ाम था वो ग्राउंड फ्लोर में था, तो जब उन लोग एक पास में सर्वर रूम था, तो जब उन लोग सर्वर रूम का दरवाज़ा ओपन कर रहे थे तो एक मतलब बहुत ही घटिया आवाज़ निकल रहा था सर्वर रूम से, ठीक है, मतलब बहुत ही घटिया, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन उधर में ब्रेक हो जाएगा, मतलब बहुत ही एक ख़राब है, ठीक है, बहुत घोंगो घोंगो करके आवाज़ हो रहा था सर्वर रूम से, तो मतलब उन लोग दरवाज़ा बार बार खुल रहे थे देन बंद कर रहे थे, तो ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा था, ठीक है, सर्वर रूम से, मतलब मैंने मेरा जो सीट था सर्वर रूम का ठीक 5-7 फीट पहले ही था, मतलब सर्वर रूम का दरवाजे से 5-7 फीट दूरी पर, तो जब जब उन लोग खुल रहे थे सर्वर रूम का दरवाज़ा, तो मतलब ऐसा बहुत ही घटिया बहुत ही बैड एक आवाज़ आ रहा था वहाँ पर गाँव 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 करके, देन वो एक बहुत ही खराब चीज़ है। देन दिया एग्ज़ाम, मतलब देखो NPA ले रहा है आपसे 1150 रुपीज़ आई थिंक 1150, एंड ये है एग्ज़ाम सेंटर का कंडीशन, नो AC, नो सफिशियंट पंखा, सावर रूम का इतना घटिया आवाज़, अनप्रोफेशनल लोग जो एग्ज़ाम कंडक्ट मतलब इनविजिलेटर 2-3 लोग तो आई कार्ड पहन के घूम रहे थे, बट क्या बोलूँ मैं, वो जो साइन होता है ना स्टैम्प करके, मैंने बोला कि मैंने स्टैम्प नहीं किया था, मतलब मेरे पास नहीं था घर में, तो मैंने बोला कि सर स्टैम्प नहीं, बोला हो जाएगा, बट थ्री आवर्स तक एग्जाम्स के 3 आवर्स तक एक भी लोग नहीं आया कि आपका स्टैम्प नहीं है, बीच में एक बार आया था साइन करने के लिए एंड फोटो चिपकाने के लिए वहाँ पर, एंड कोई नहीं था, सिग्नेचर मतलब लिखा है देखो कि सिग्नेचर इन प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर एडमिट कार्ड के नीचे लिखा है, कोई भी इनविजिलेटर आपको नहीं आया साइन करने, कोई भी नहीं पूछा कि साइन किए हो कि नहीं, कोई भी नहीं पूछा कि स्टैम्प लगा हुआ कि नहीं, मतलब आपका थंब का, ठीक है,
मैंने बोला फास्ट पहुंच, तो ऐसा था कंडीशन, मतलब कोई प्रोफेशनल लोग तो नहीं था, मतलब ये मैं 100% श्योर हूँ कि वो जो सेंटर है ना वहाँ पर ऐसा कोई प्रोफेशनल इन्विजिलेटर या फिर प्रोफेशनल लोग नहीं था, ठीक है, जो था सबके सब अनप्रोफेशनल, कोई किसी का मतलब कुछ नहीं, मतलब इतना ज़्यादा आता नहीं है। देन एक बात है कि सीट का प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब एक A4 पेज को आप आधा करोगे, इतना सारा एक पेज दे रहा था, एक पेज 5 times दे रहा था, ठीक है, एक पेज ओनली। तो सोचो मैथ्स का एग्ज़ाम है, 1150 rupees दिन का चार्ज है, ठीक है, जनरल का बोल रहा हूँ मैं, एंड पेज दे रहा है एक A4 का आधा, ये है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का तरीका NTA का, ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब सभी ठीक है, सोचो आप कंडीशंस। तो ये था कंडीशन, एंड देन जब पेज, मतलब आप एक पेज कितना टाइम लगेगा मैथ्स वालों को करने, एक पेज के दो प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे आप, अप्लाइड का होगा तो, प्योर का होगा तो थोड़ा कम लगेगा। तो ये मतलब आप कितने बार चाहोगे, ये एक बहुत ही घटिया चीज़ है कि एक सीट में बार 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 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes सब पेज दो, ये मतलब आपका टाइम भी लॉस होगा एंड आपका जो कंडीशन है मेंटल एग्जाम्स का होता है, माहौल जो होता है वो नहीं बन रहेगा, मतलब ऐसा कंडीशंस में हम एग्जाम दिए, ठीक है। तो मैंने एक काम किया, मतलब जो लोग दिया था, मतलब इनविजिलेटर कैसा है, जो सेज सीट्स बांट रहा था ना वो कैसा है, सोचो एक रो में फर्स्ट आदमी को दे दिया, बोला कि आप साइड में दे दो ऐसा ऐसा करके, मतलब ऐसा घटिया, ठीक है। तो वो उसका जो मतलब दायित्व है, दायित्व जो है ना, मतलब क्या बोलूँ, उसका जो एग्ज़ाम हॉल में जो ड्यूटीज़ है, ड्यूटीज़ तो वो ड्यूटीज़ वो ठीक से नहीं निभा रहा था कि हर एक कैंडिडेट्स को सीट देना है, खुद को जाकर नहीं भाई, आप एक को दे दो सबको एक लाइन में ऐसा। तो मैंने जब मेरे को दिया ना, मैंने कुछ 4-5 सीट्स लेकर रख दिया मेरे अंदर, मतलब मेरे पास मैंने सोचा कि ये लोग तो नहीं देंगे, एंड बार 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 कितना आप चाहोगे, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes में एक एक पेज, एक एक ही दे रहा था, ठीक है, बोला कि एक एक ले लो, ठीक है। बट अब सोचो ऐसा कंडीशन, एंड देन जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, ठीक है, कुछ कुछ लोगों का प्रॉब्लम्स आया, मतलब बीच बीच में कंप्यूटर बंद हो जा रहा था, ये तो है ही, मतलब एक ऐसा सेंटर चूज करता है ना जहाँ पर कोई एक सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करता है, एक दो लोग बोल रहे सर मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, एक हॉल में जब बोल रहे सर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया है, सर मेरा नहीं चल रहा है, सर मेरा डिस्प्ले ऑफ हो गया है, ऐसा मतलब ऐसा सिचुएशन में एग्जाम हॉल में दिमाग को कैसे सही रखोगे आप, ठीक है, ऐसा कंडीशन में पूरी एग्जाम दिया है। देन मतलब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो ये भी स्टार्ट हुआ कि सर मेरे नहीं चल रहा है, सर मेरे ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है, सर ये मेरे ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ऐसा है कंप्यूटर या फिर मशीन का सिचुएशन। एंड गर्मी भी है, उतना ज़्यादा गर्मी ना, मतलब इतना गर्मी हो रहा था, मशीन का जो है गर्मी है, इतना मैंस या स्टूडेंट्स बैठा है, कुछ आदमी है, इतना लोग है एक हॉल में, और कुछ इनसफिशियंट नंबर ऑफ फैंस, एसी तो छोड़ो 1150 rupees में आपको एसी भी नहीं मिलेगा, बट आप SSC एग्जाम देने जाओगे ना सिर्फ 100 rupees फीस है SSC का, ठीक है, CGL या फिर CHSL या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है वहाँ पर देखोगे आप, मतलब बहुत ही अच्छा सिचुएशन से, बहुत ही अच्छा, पूरा के पूरा फुल AC, अच्छा खासा कंप्यूटर, वो सेंटर क्यों नहीं देते है ये लोग ऐसा सेंटर चूज करेगा जहाँ पर मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं बोलना है ऐसा सिचुएशन में हुआ। देन आता हुआ एग्जाम्स के बारे में, कैसा हुआ इस बार, देखो एग्जाम्स जो हुआ तो हुआ ही, होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि ऐसा तरह का मतलब जो CSR जैसा एग्जाम में कुछ कह नहीं सकते हो कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो बात का है, ठीक है। तो ये है सारे सिचुएशंस, एग्जाम्स हुआ, ये था मेरा एक्सपीरियंस। देन उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम देकर हॉल से निकला ना, मतलब मेरा दिमाग इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्या ही बोलूँ मैं, उस दिन मेरा एक भी कॉल किसी को नहीं किया, एक भी मतलब कुछ फ्रेंड्स था कॉल कर रहा था, मतलब मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, उतना अच्छा गर्मी में, मतलब सोचो कि एक रूम पर आप एक रूम में जैसे कि मोर देन 3 hours बैठे हो, एंड उस रूम में उतना ज़्यादा कंप्यूटर चल रहा है, कोई
अच्छे से पंखा नहीं है, एसी तो छोड़ ही दो, एसी भी नहीं है, तो कैसा सिचुएशन होते हैं? दिमाग अच्छे से काम करेगा आपका? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देन इस बार एक चीज़ हुआ जो कि हिंदी एंड इंग्लिश पेपर का, मतलब जो कुछ सालों में हुआ था कि हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज चूज करो वो नहीं हुआ था, जिसका मतलब मेरा तो इंग्लिश था, इंग्लिश में भी ही क्वेश्चन आया था, ये था एक कंडीशन एंड यही था। देन उसके बाद तो मैंने क्या बोलूँ, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था, वहाँ पर मैं रात में घर नहीं आया था, वहाँ पर रह गया था कि भाई इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा था एंड बहुत ही दूर था मेरा घर से, ठीक है, लगभग सोचो कि आप 100 किलोमीटर्स के आसपास, तो बहुत ही जाने भी था, मतलब सुबह गए थे देन आना, यही था एक्सपीरियंस, ठीक है, एग्जाम्स का। देन रिजल्ट का तो पता नहीं, बाद में जो होगा तो होगा ही, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या बोलो। तो रिजल्ट को लेकर टेंशन और मैं नहीं करता हूँ कि होगा कि नहीं होगा, जो होगा दिखा जाएगा, मतलब फेल तो हुआ ही है बहुत बार, हाँ तो और एक फेल होगा तो पहले क्या कर। तो कुछ एग्ज़ाम्स और सामने हैं, इस बार मैंने SSC CGL का फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, कई टाइम्स मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो आज तक एक भी सीरियसली नहीं दिया, 100 रुपीज़ फॉर्म फिलअप है, तो फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, जाऊंगा एग्जाम्स में। तो यही था मेरा इस बार का एक्सपीरियंस, ये था, ठीक है, कैसा है आपका, कैसा एक्सपीरियंस, आपका सेंटर कैसा है, आपका इन्विजिलेटर्स या फिर ये जो है एग्ज़ाम हॉल का कंडीशंस क्या है, ये आप बता सकते हो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाना, आपका कुछ क्वेरीज है या फिर कुछ बोलना है तो कमेंट कर सकते हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो एंड आपका एक्सपीरियंस शेयर करो एंड क्या बोलूँ सब्सक्राइब जल्द से जल्द करो, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट है हमारा 10K, ठीक है, अच्छा खासा कंटेंट मैं ट्राई करूँगा इस चैनल के फ्री में बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का ड्यूरिंग फॉर हायर मैथमेटिक्स। एंड देखो कि कुछ स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स है जिन लोग कमेंट करता है कि सर, या कुछ दिन पहले ही मैंने मतलब मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आपका चैनल में देख रहा हूँ अप्लाइड का इतना अच्छा लेक्चर, मतलब यूट्यूब पे नहीं, जैसे कि मेरा मार्कअप चेन का लेक्चर, देन और कुछ एक दो टॉपिक्स का लेक्चर, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का, मतलब जो लेक्चर्स बनाया था कुछ 5-6 लेक्चर, तो मैंने एक स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ने कमेंट किया कि सर बहुत ही अच्छा डेप्थ के साथ आप समझाए, तो मैंने आपके एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल पर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड 10K कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट माइलस्टोन है ये, इसको छूना होगा मेरे, ठीक है, और मेरे साथ साथ आपको भी, ठीक है, सपोर्ट करो, ठीक है, कोई ना अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलते रहेगा, ठीक है, चलो भाई मिलते हैं अगला वीडियो में एंड आपका एक्सपीरियंस आप शेयर ऑब्वियसली करो कमेंट सेक्शन में, ओके, थैंक यू, बाय।